है आपको स्वागत है, मैं खिलाड़ी गुरु, एक यूट्यूबर, एक फ्री फायर प्लेयर। आज की स्टडी फ्री फायर की बॉम्ब स्क्वाड मोड के विषय में। तो दोस्तों, आज 5 मार्च के दिन में एक नया मोड दिया गया है फ्री फायर के, शायद सीजन 22 एल्ट पास के साथ। तो क्वेश्चन अभी ये उठ के आता है कि इस वाले मोड में करना क्या होता है। सो माय डियर सर्वाइवर, इस बॉम्ब स्क्वाड मोड पे आपको बेसिकली आपके टीम यानी स्क्वाड के साथ ओपोनेंट वाले स्क्वाड यानी टीम को किल करते हुए सर्वाइव करना होता है, अर्थात लास्ट तक बने रहना होता है। पर इस मोड में स्पेशली इस क्लैश स्क्वाड की तरह आप ऑटो रिवाइव नहीं होते, और मैप के अंदर ए एंड बी नाम का 2 सर्कल दिया गया है जिसके अंदर एक बॉम्ब फिट करना होता है और दूसरे वाले स्क्वाड को उस बॉम्ब को डिफ्यूज। तो कहा जाए तो एक और सवाल उठ के आता है कि भाई कैसे पता चल पाए कि हम बॉम्ब फिट करने वाले से हैं या डिफ्यूज। सो माय डियर प्लेयर, आपको कह देते हैं गेम पे शुरू होने के वक्त ही ऊपर 2 लोगो दिया जाता है। तो पहले वाला लोगो है एक तलवार वाला, दूसरा वाला लोगो है शील्ड वाला। तो तलवार का मतलब होता है अटैक, अर्थात बॉम्ब को फिट करना, और शील्ड वाले का अर्थात होता है रक्षा, अर्थात बॉम्ब को डिफ्यूज करना। आपको तो ये देखना होगा कि आपकी ओर कौन सी लोगो बना हुआ है। और एक जरूरी बात आपको कह देते, बॉम्ब सेट करने से पहले अगर कोई भी स्क्वाड किल हो जाता है तो लास्ट तक सरवाइव करने वाला स्क्वाड को विक्ट्री घोषित कर दिया जाएगा। और अगर ये हुआ कि बॉम्ब फिट करने वाले स्क्वाड बॉम्ब सेट कर चुके हैं और उस स्क्वाड की कोई भी बंदा नहीं बचा, मतलब बॉम्ब फिट करके वो टीम किल हो जाता है, तो बॉम्ब की काउंटिंग नहीं रुकेगा जब तक ना आप में से कोई बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करते। अगर बॉम्ब डिफ्यूज नहीं करोगे तो बॉम्ब के काउंटिंग खत्म होने के साथ साथ आपकी टीम डिफेक्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब वो राउंड आप हार जाओगे, और अगर कर लेते हो तो भाई विक्ट्री, इसका मतलब वो राउंड आप जीत गए। तो ऐसे ही 7 राउंड के अंदर आपको 4 राउंड को विक्ट्री लेने वाले टीम को जी विजय घोषित कर दिया जाएगा। इसका अर्थात हुआ आप में से जो स्क्वाड यानी कि टीम 4 राउंड विक्ट्री कर लेता है तो वो पुया पा लेता है। तो आज के लिए तो इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। क्या आप चाहते हैं ऐसे प्रकार और स्टडी लेके आए हम, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी विषय में। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं लगा इस वीडियो को इतनी भी अच्छा तो डिसलाइक कर दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट भी करेंगे तो ऐसे ब्यूटीफुली पावरफुली वीडियो आपसे छूट जाएगा। सो आखिर में इतने सारे वीडियो के अंदर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहने के लिए, हर बार की तरह दिल से मुस्कुराहट के साथ आपको धन्यवाद।